तो, सहनो भुनक्तु सह वीर कर्वा वह मा विद्विषावहै ओम ओ शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति किस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है स्वागत है ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के बीसवें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था आज हम इक्कीसवें सूक्त का प्रथम मंत्र आपके समक्ष रखेंगे बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जो निरंतरता के साथ वेद वाणी का स्वाध्याय करता है जो जैसा उपदेश इस वेद में दिया गया है वैसा जीने का प्रयत्न करता है तो निसंदेह उसका जीवन बहुत ही दिव्य भव्य बन जाता है हम जब किसी उपदेश को सुनते हैं किसी उपदेश से प्रेरित होते हैं और उसको जीना आरंभ कर देते हैं जानना मानना और जीना और जब जीते हैं तो पाते हैं इसलिए बहुत ही सुंदर जो उपदेश है हम सबके लिए संदेश है वेदों का इस उपदेश को इस संदेश को आत्मसात करें इस ज्ञान परंपरा को आत्मसात करके ही व्यक्ति आत्मकल्याण से राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन कर सकता है अतः हम सबका यह परम कर्तव्य है कि इसे पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं तथा अपने आचरण मिलाएं क्योंकि यह वेद ज्ञान सबसे महान है सबके लिए है सब देशकाल परिस्थिति में सभी स्त्री और पुरुषों में ज्ञान का आधान हो ऐसा हम सबका प्रयत्न होना चाहिए तो वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा ओम मनुष्यत्वा मनुष्वत्वा निधी मनुष्य मही मनुष्य समितिमह अग्नि मनुष्य अग्नि মনুষ্যদঙ্গিরো দেবন দেবয়তে ইয ऋग्वेद के पांचवें मंडल के इक्कीसवें सूक्त का पहला मंत्र है ओम मनुष्यवा ने धीमहि मनुष्य समी धीमही अग्नि मनुष्यो देवों देव ओ मनुष्यत्वानि धीमहि मनुष्यत्वं धीमहि अग्ने मनुष्यदंगिरो देवुं देवते यजा बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है हे अग्रणी प्रभो हे परमात्मन मनुष्यत मनुष्य की जो मनु की संतान है ऐसा जो मननशील है जो मन पूर्वक विचारपूर्वक कर्मों को करता है इसलिए मनु की तरह एक विचारशील पुरुष की तरह तो आपको निधिमयी अपने हृदयों में स्थापित करते हैं जो शक्ति मनुष्य के पास है वो अन्य जीव जंतुओं के पास नहीं है मनुष्य सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ क्यों है क्योंकि मननात मनुष्य विवेकपूर्वक मनन चिंतन पूर्वक उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा उसका जन्म जन्मांतरों में परिणाम क्या होगा उसका मेरे जीवन में और सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा क्या करना क्या नहीं करना कब करना कैसे करना क्यों करना अनेक अनेक विचारों से जो कर्म करता है अनेक विचार पूर्वक कर्मों को करता है वास्तव में वही मनन पूर्वक जो कर्म करे मनुष्य कहलाता है तो इस प्रकार से हे परमात्मन मनु की तरह एक विचारशील पुरुष की तरह आपको निधिम ही अपने हृदय में स्थापित करते हैं अपने इस मन मंदिर में स्थापित करते हैं मनुष्यत एक विचारशील पुरुष की तरह समिधिमयी अपने हृदयों में आपको समिध करते हैं अर्थात ध्यान के द्वारा आपको अपने हृदयों में स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो स्वाध्याय द्वारा आपकी जान दीप्ति को प्राप्त करके आपके प्रकाश को देखने का प्रयत्न करते हैं ध्यान पूर्वक उस प्रभु को हम पा सकते हैं ध्यान से पा सकते हैं क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है अष्टांग योग में भी महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तो बिना ध्यान के समाधि लग नहीं सकती और बिना समाधि के उस प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है हम समाधि की प्राप्ति करेंगे तो उस प्रभु की प्राप्ति हमको होगी और समाधि में ही सारी समस्याओं का समाधान है ध्यान में ही सभी समस्याओं का समाधान छिपा है ध्यान पूर्वक कर्म करो ध्यान पूर्वक अपने जीवन का अनुष्ठान जो चल रहा है उसको करो बचपन से हम सुनते हैं ध्यान से पढ़ो ध्यान से चलो ध्यान से ये कार्य करो ध्यान से ये कार्य करो तो ध्यान हमारे लिए अत्यंत महनी है बिना ध्यान के व्यक्ति कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है ध्यान यदि नहीं देता है कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी का तात्पर्य क्या है सावधान व्यक्ति होता है तो ध्यान सावधान ध्यान ध्यान से कार्य करता है तो घटनाएं नहीं घटती हैं और यदि ध्यान पूर्वक कर्म नहीं करता है तो निसंदेह उसको बहुत ही भटकाव जीवन में मिलता है क्योंकि योग समाधि कहा है योग निरोधा कहा है ध्यानम निर्विषयम मना कहा है ध्यान क्या है निर्विषय हो जाना जब जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें ही तल्लीन हो जाएं। उसमें ही खो जाएं और कुछ भी शुद्ध ना रहे कुछ भी हम अन्य भोग वासना और इस संसार की कामना मन में ना लाएं उसी का ध्यान करें जिसके लिए हम अपने इस जीवन को इस जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किए हुए हैं तो यहाँ यही बात कही कि हम ध्यान के द्वारा आपको हृदयों में स्थापित करते हैं एक यही साधन है क्योंकि सामर्थ्य वाली नहीं है कि उस प्रभु को देख पाए कानों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको सुन पाए नासिका में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसको सूंघ पाए रसना में इतना सामर्थ्य नहीं है उसको चख पाए या उसके लिए कुछ वाणी से बोल पाए और त्वचा में स्पर्श करने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि ये इंद्रियां परिचिन हैं बहिर्मुख हैं परमात्मा को ये प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां हैं और भौतिक से तो भौतिक का ही ज्ञान होगा परमात्मा अभौतिक है परमात्मा नित्य है शुद्ध है बुद्ध है वह निर्विकार निरंकार निराकार है इसलिए इन साकार वस्तुओं का व्यक्तियों का स्थानों का दर्शन इन साकार इंद्रियों से हो सकता है निराकार से तो निराकार का ही साक्षात्कार होता है इसलिए आत्मस्थ जब हम हो जाते हैं जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं तब उसकी अनुभूति कर पाते हैं यो तो ज्ञान का स्तर जब बढ़ जाता है चेतना का स्तर बढ़ जाता है तो कण कण में उसका हम दर्शन करते हैं हर क्षण हर पल उसी का गुणगान करते हैं वह जो कणकण में विद्यमान है ईशा मदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्ते न त्यक् न भुंजी था माग कस्ते स्विधनम यह जो भावना है यह जो सच्ची कामना है इसी के वशीभूत हो करके इसी के अनुरूप जीवन जी करके हम अपने इस जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवधान के लिए विघ्न बाधाओं के लिए सबसे जो अमोघ अस्त्र है सबसे जो सुंदर रास्ता है वह है प्रभु के चिंतन का वह है ध्यान का वह है इस जीवन और जगत के समाधान का समस्याओं की समाधान का तो ये कहा कि हम स्वाध्याय के द्वारा नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो वेद के स्वाध्याय से हम जीवन को बहुत ही सुंदर सफल बना सकते हैं इसलिए ध्यान के द्वारा उसको यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक अपने हृदय में स्थान देना स्वाध्याय करना स्वाध्याय से अपने जान की वृद्धि करना ऐसा प्रयत्न करना और कहा कि हे अंगिरा हमारे अंग प्रत्यंग में रस का संचार करने वाले प्रभो क्योंकि यदि रस नहीं है तो जीवन हमारा नीरस है पुष्प में नीरस फल में नीरस जीवन में नीरस संसार में कोई सुख की आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है इसलिए जीवन सरस हो रस सहित तो हो आनंद सहित हो तो उस रस की प्राप्ति के लिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए अंगिरा हमारे जो अंग प्रत्यंग में हमारे रोम रोम में रोमड़ी रोमड़ी हमारे जो संचार करते हैं ऊर्जा का जो रस का संचार करते हैं ऐसे प्रभो मनुष्य एक विचारशील मनुष्य की तरह देवयते दिव्य गुणों की कामना वाले मेरे लिए देवान यज दिव्य वृत्ति के पुरुषों को आप मेरे साथ संगत करिए अर्थात आप अपनी शक्ति से आप अपनी कृपा से मुझको ऐसे लोगों की संगति में रखिए ताकि उनका संग मेरे अंदर दिव्य भावों का जागरण कर सके उनकी संगति मुझको कुसंगति से कुसंस्कारों से बचा सके क्योंकि संसार के अच्छे सच्चे लोग अच्छी संगति हमको सदगति तक पहुंचा देती है और यदि हमारी संगति ठीक नहीं है हमारा संग ठीक नहीं है हम बुरे लोगों के चंगुल में फंसे हैं यदि दुर्जन दुर्गुणों से युक्त दुर्व्यवहार से युक्त व्यक्ति के कुसंस्कार से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके यदि हम संग में रहेंगे तो निसंदेह उसका रंग उसका जो संग है वो रंग लाएगा जैसी हमारी संगति होगी वैसी मति होगी वैसी कृति होगी इसलिए हम यहाँ जो प्रार्थना है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें कहा कि विचारशील पुरुष की तरह देवयते जो दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति है जो देवान यज वास्तव में दिव्य वृत्ति के लोग हैं तो देवेन ऐसे देव तुल्य लोगों का संग मुझको मिले मैं कभी भी बुरे लोगों की संगति में न रहूं क्योंकि वो मुझको पता नहीं कहां से कहां गिरा दें कहां से कहां मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए इसलिए हे प्रभो आप मुझको उनका संग दीजिए और मेरे अंदर दिव्यता का भाव जागृत हो दिव्य गुणों का वर्धन हो संवर्धन हो हम ध्यान के द्वारा प्रभु को हृदय में स्थापित करें ऐसी प्रार्थना ऐसी कामना ऐसी भावना इस वेद मंत्र में हमको बताई गई है स्वाध्याय के द्वारा उनके प्रकाश को हम देखें स्वाध्याय से हमारे जीवन की जो अज्ञानता है जो अविवेक है जो अविद्या है वो दूर हो जाती है इसलिए ये बात कही है और प्रभु कृपा से दिव्य पुरुषों के संग से देववृत्ति वाले बन जाएं क्योंकि सत्संगति हमारे जीवन की गति को बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ाती है सत्संगति यदि है तो दुर्गति नहीं होगी और यदि दुर्गति हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि संगति हमारी ठीक नहीं है सठ सुध रही सत संगत पाई पारस परत कुधात सुहाई बिन सतसंग विवेक न होई पारस परत ये जीवन का जो लक्ष्य है बिन सत्संग विवेक न होई ईश कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई वह सुलभता को प्राप्त नहीं होता है इसलिए बहुत सुंदर बात कही है सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई संगत से जीवन है यह बात है समझाई ये वेद बताते हैं ये ऋषि बताते हैं ये वेद बताते हैं ये शास्त्र बताते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं सतसंग की गंगा में जो लोग नहाते हैं वचनों के मोती हैं संगत के सागर में फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरोवर में जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं दुख क्लेश का तो संतो यहाँ कोई काम नहीं आते हैं जगत में जो आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं तो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संगति वही है जो सज्जनों की हो सज्जना नाम संगति ही सत्संगति कथ्यते। तो सज्जनों की संगति में रहना यह एक वरदान है अच्छे सच्चे लोगों का मिलना ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होता है और जो अपने अच्छे सच्चे परिवार क्योंकि मित्र के रूप में भ्रातृ के रूप में पिता माता के रूप में पत्नी के रूप में पति के रूप में किसी भी रूप में हमको जो अच्छे लोग मिलते हैं वास्तव में उन्नति की ओर वो ले जाते हैं इसलिए अच्छे लोगों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए अच्छे लोगों से कभी ऐसे कोई कुतर्क नहीं करना चाहिए अच्छे लोगों को कभी भी सताना नहीं चाहिए अच्छे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए जो हमको ठीक ठीक राह पर ले जाते हैं तो हम ऐसा जीवन जिए तो बहुत ही सुंदर होगा ओम शांति शांति शांति